का विचे नमस्कार। यजमान जी, अब ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। बंदा भाभी, पूजा पूरी हो गई। और इस तरह कनक राज परिवार उत्सव मूर्ति को स्थापित करके पूजा समापन करते ही 150 साल से चल रहे श्राप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गया। पूरा राज परिवार मिलकर अपने आप को कानून के हवाले कर देता है। लेकिन यशपाल के बयान की वजह से उन्हें माफ कर दिया जाता है। वीर को डॉक्टर स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट बताते हैं और उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। साल बाद जहां वो 2 साल बाद पूरी तरह ठीक होकर वापस आता है, पांच साल बाद तो इस तरह से आपकी मम्मी यानी महारानी अर्चना ने पूरे राज परिवार को उस दुष्ट ब्रह्मानंद से और उस श्राप से बचाया। पर ये सब हुआ क्यों था? ये हुआ ना, अच्छा सवाल बेटा। ये मनुष्य के भगवान बनने के लालच की वजह से हुआ। यहाँ हर मनुष्य एकदम शक्तिशाली बनना चाहता, महान शक्तिशाली। लाली के पास भगवान की शक्तियां थी, लेकिन उसका पति उन शक्तियों को हासिल करके उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता था। इसके विपरीत लाली उन शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करती थी। इसी तरह से हमेशा से ये लड़ाई लाली के वंशजों के बीच में ही रही है। हर बार एक ऐसा वंशज होता जो उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए करना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए हर बार एक अच्छा वंशज भी होता। जैसे ब्रह्मानंद ने उन शक्तियों का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए किया, लेकिन उसके छोटे भाई जो कि वो बाबा जी थे, उन्होंने उसे रोका, उनकी शक्तियां छीनी और मूर्ति लेकर चले गए। राज परिवार की गलती ये थी कि उन्होंने मूर्ति को मंदिर से चुरा कर उसे छिपा दिया, इसलिए वो श्राप उन पे लग गया। लेकिन जब वापस से उन्होंने उस मूर्ति का शुद्धिकरण कर उसे पुनर्स्थापित किया तो सब कुछ सही हो गया। कुछ समझ में नहीं आया अक्षय अंकल। अरे समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझाते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट अगेन। तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो?
इतना सारा काम पड़ा है भाई, महाराज का जन्मदिन है, वीर का 35th बर्थडे है, इतना सारा काम। अक्षय तुम बिना सबको कहानियां सुनाते रहते हो, चलो उठो। अरे मेरी हेल्प करो, जल्दी आओ। जी महारानी। चलो चलो चलो। एक समय था जब इस परिवार का कोई भी वंशज 30 साल से ऊपर जी नहीं पाता था, और आज मैं अपना 35वां जन्मदिन मना रहा हूं। लेकिन काश वो सब भी जिंदा होते आज। हमें गुजरे हुए कल के बारे में ना सोचकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। हाँ बेटा, आज का दिन बहुत ही शुभ है वीर, जुग जुग जियो मेरे बच्चे। चलो जल्दी से केक काटो, चलो। ठीक है। एक मिनट, अब यशपाल जी अभी तक नहीं आए। ये पुलिस वालों को भी ना लेट पहुंचने की आदत होती है। मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ। हेलो यशपाल जी, आप किधर रह गए? अर्चना जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली एक बहुत बड़ा केस आ गया है जिसमें हमें पुरानी फाइलें भी चेक करनी पड़ रही। वीर से मेरी तरफ से माफी मांग लीजिएगा, मैं कल खुद आकर उन्हें सामने से बधाई दूंगा। अब आपका काम है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ओके बाय। क्या हुआ? अब वो नहीं आ पाएंगे। केक? सर, एक मिनट सर। सर ये फाइल में कुछ मिला है, देखिए। क्या बात है, आप आ रहे? नहीं नहीं अर्चना जी, दरअसल पुरानी फाइल्स में से एक फाइल मिली है जिसे देख के मेरा दिमाग भन्ना गया। अच्छा, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल एक सुसाइड की फाइल मिली है। जिस आदमी ने सुसाइड किया उसकी सुसाइड की रिपोर्ट है उसमें। उस आदमी ने उसी दिन सुसाइड किया था जिस दिन वंदना और युवराज यश की शादी हुई थी। इससे हमारा क्या लेना देना? मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं रही हूँ। लेना देना है, क्योंकि उसमें आत्महत्या करने वाले की तस्वीर है और वो तस्वीर है अक्षय की। क्या? क्या आप कैसी बात? अक्षय तो हमारे अक्षय किधर चला? मैं खुद अक्षय से बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ उससे। ओके अक्षय, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे यशपाल जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि 10 साल पहले कोई सुसाइड हुआ था जिसमें तुम्हारी फोटो है। अक्षय, नीरज, अक्षय, मेरी बात तो। भगवान, काल भैरव हमारे बीच में अक्षय के रूप में रहकर हमारी मदद कर रहे थे। किसी ने सच कहा है कि अगर आप सच्चे दिल से मांगो तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। जय भगवान काल भैरव।